मेरा पापा को मैंने खुद बपतिस्मा दिया, इधर इधर मैं ऐसा बपतिस्मा लिया था छिड़काव वाला, लेकिन बाइबल में कहीं नहीं है। हमने बाइबल थियोलॉजी गए, ध्यान से सुनिएगा, आपके मानो ना मानो, लेकिन जब हमारा प्रभु ने यर्दन नदी में बपतिस्मा लिया तो आपको लेने के लिए काई का टान लग रहा है बाबा। एक बाटी पानी में नहाने नहाओगे, एक मुट्ठी माटी में आपको दफना सकते हैं, तो एक मुट्ठी माटी में मर गेला गड़ा गेला। ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, यीशु मसीह को पहनना है। क्या करना है? अभी तक मैं मैसेज शुरू नहीं किया है, ध्यान सुनिएगा, मैं सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अभी ध्यान सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह, ध्यान सुनिए एकदम, परमेश्वर का और जोरस कॉपी है यीशु मसीह। क्या है? इसलिए यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। किसको देखा? लेकिन वो आया क्यों इस धरती पर? क्या रीजन थी? आपके अंदर जो आत्मा है, आपके अंदर जो आत्मा है, आयुब 12:10 पर, उसके लिए वो आया। किसके लिए आया? आयुब 12:10। बारह अध्याय 10 पद, उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। yes. क्या रहती है? किसकी आत्मा? किसकी आत्मा? एक एक मनुष्य की। किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। सुनो, आपके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, मेरे हाथ में एप्पल है, ये मैंने नहीं खरीदा, किसी ने दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं प्रार्थना करता हूँ सुबह को मिल जाती है इधर। हालेलुया। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, किसके हाथ में अभी आपका मोबाइल निकाले? कुछ ऑपरेशन होने वाला है। आमेन। ए डारे नहीं निकला था जो निकाले, ऐसे करके निकाले, सभी 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 निकाले आपने मोबाइल, मोबाइल निकालो। जैसा ही ये मोबाइल आपके हाथ में है, उसी प्रकार मेरा परमेश्वर के हाथ में आप पाए जाते हैं। आयुब 12:10 देखो, ध्यान से पढ़िएगा। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण, एक एक जीवधारी का प्राण, ये जितना भी जीव जंतु इस संसार में पाई जाती है, और मनुष्य का देह, मनुष्य का जीवन भी मेरा पिता परमेश्वर के हाथ में पाया जाता है। देखो ये, और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। आपका आत्मा किसके हाथ में है? आपकी आत्मा किसके हाथ में है? जोर से बोले, किसके हाथ में है? यस, जब आप परमेश्वर के हाथ में पाए जाते हो तो आप कैसा होना चाहिए? आपको कैसा होना चाहिए? डरो था ना कि कुनो जगह मोर नाम होने मानु नाम आते। अब ध्यान सुनिएगा, आपसे पूछता हूं, आपका आत्मा किसके हाथ में है? है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्यों परमेश्वर मनुष्य को इतना प्यार करता है? नीति वचन 20:27, आपके अंदर जो आत्मा है उस आत्मा को परमेश्वर बुझाना नहीं चाहता। ध्यान सुनिएगा, हेतु पोते 20:27। यस, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। किसका दीपक है? कार की है, कार दीपक है। हमारा आत्मा की है, हमारा आत्मा क्या है? परमेश्वर का दीपक है। तो यह दीपक अंधकार में रहेगा, अंधारो जो दिन लुकाए था किले कि वह लाभ से लाभ से तो हूं नही थी ना ईश्वर दिया मानुक